हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने चीन की अब तक 118 ऐप है वो बैन कर दी है। और आज के टाइम में या आज के दिन बुधवार के दिन पबजी है वो भी बैन कर दिया है। तो ये सुनकर बहुत सारे दोस्तों को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि पबजी की आदत जो पड़ गई है। और घर वाले तो खुशी हैं, क्योंकि उनको तो यही चाहिए था कि बच्चे उनके वो फ्री हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ, पबजी है या आप चीन की जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, तो भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, क्योंकि जो चाइनीज ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे हमारी सिक्योरिटी का खतरा तो रहता ही रहता है, साथ में आपके जो डेटा है वो भी लीक होते हैं। और डेटा लीक होने के कारण, इसका जो मेन कारण था वो यही था कि पबजी की वजह से जो आज के युवा पीढ़ी हैं उनके जो डेटा है जितने भी, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीक होते हैं। और इसकी वजह से केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पबजी है वो अब बैन होगा, वो भी गूगल प्ले स्टोर से। तब पबजी है वो चलने वाला नहीं है। और पबजी के साथ साथ बहुत सारी ऐसे ऐप हैं जिनको साथ में बैन किया है, तो मैं उनकी आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी, वो पूरी की पूरी लिस्ट उनके अंदर है जो पबजी के साथ है वो बैन हुई है। तो आप लोग देख ही रहे हो, पबजी तो बैन हो ही गया है, पबजी समेत 118 ऐप है वो भी बैन हो गई है। भारत सरकार ने 118 और चाइनीज ऐप है उनको बैन किया है, और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि ये जितनी चाइनीज ऐप है वो सारी की सारी है वो अपने डेटा है वो चुराती है, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी सिक्योरिटी और उनके डेटा का भी खतरा रहता है। तो वो इस टाइप की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब आप खुद ही समझदार हो, आप खुद देख लो कि आपके डेटा ज़्यादा जरूरी है या गेम ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे दोस्तों को तो ऐसा धक्का सा भी लगा होगा कि पबजी बैन हो गया। पेरेंट्स तो बहुत ही हैप्पी है कि उनके बच्चे हैं वो क्या हो गए, अब फ्री माइंड हो गए हैं ताकि पबजी बैन हो गया। तो वैसे मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो में, सारी ऐपों के नाम दे दूंगा जो क्या है चाइनीज ऐप है, और उसके साथ साथ उनको बैन भी कर दिया गया है। और पबजी को बैन करने का जो मेन उद्देश्य था वो मेन यही था कि सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है, सिक्योरिटी के साथ साथ आपके जितने भी डेटा होते हैं फोन के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीक होते हैं। क्योंकि ये जो ऐप है वो आपके डाटा तो लीक करते ही है, उसके साथ साथ वो डाटा लीक करने के साथ अदर जो देश हैं उनको वो डाटा भी बेचती है, तो इसीलिए उसको अब बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें।